बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन पैक फिल्म बागी 2 30 मार्च यानी शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है। फिल्म का रिव्यू लेकर देखो देखो आ गए हैं आपके पास। सबसे पहले फिल्म के स्टार कास्ट, टाइगर श्रॉफ, दिशा पटानी, मनोज वाजपेयी, प्रतीक बब्बर और रणदीप हुडा फिल्म में ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है अहमद खान ने, प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियावाला ने। फिल्म में टाइगर रॉनी के किरदार में नजर आ रहे हैं, वहीं एक्ट्रेस दिशा पटानी ने नेहा का रोल निभाया है। रॉनी ने नेहा से मुलाकात कॉलेज में की है, जिसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ समय बाद नेहा और रॉनी का ब्रेकअप हो जाता है, जिसके चलते वो अलग हो जाते हैं। वहीं नेहा की कहानी में एक है लड़की जिसका किडनैप हो जाता है। अब उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर नेहा रॉनी की सहायता लेती है। बस फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक्शन के डबल डोज के साथ में टाइगर फिल्म में एक बच्ची की तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बागी 2 में टाइगर और दिशा ने दमदार अभिनय किया है, तो वहीं टाइगर की डायलॉग डिलीवरी ने फिल्म में जान फूंकती है। टाइगर श्रॉफ वन मैन आर्मी के रूप में शानदार दिखे हैं। फिल्म में इतना जबरदस्त एक्शन है कि आखिरी तक आप अपनी सीट पर बैठे ही रहेंगे, एक पल भी आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। टाइगर ने इस फिल्म के जरिए अब तक की अपनी सारी फिल्मों से बेहतरीन काम किया है। दिशा पटानी भी एम एस धोनी के बाद में अब बॉलीवुड में नजर आई है। उनका किरदार भी काफ़ी बेहतरीन है, उनका अभिनय भी टाइगर के साथ में काफ़ी अच्छा लगा है। फिल्म में विलन के किरदार में नजर आ रहे प्रतीक बब्बर काफ़ी अच्छे लगे हैं और उन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया है। वहीं रणदीप हुडा और मनोज वाजपेयी कहते हैं कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, जितनी बार भी वो स्क्रीन पर आए हैं धूमी मचा गए हैं। लेकिन फिल्म में सबसे ज़्यादा अगर तारीफ किसी की जाएगी तो वो है टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ ने अपने बेहतरीन एक्शन से सभी का दिल जीत लिया है। टाइगर श्रॉफ की एक एक मूव्स यहाँ पर आपको वाव करने पर मजबूर कर देगी, तालियां बजाने पर मजबूर कर देगी, सिनेमाघरों में सीटियाँ ही सुनाई देगी। उनका ज़बरदस्त एक्शन फिल्म में इतना भरा गया है कि फिल्म आपको फुल पैक एक्शन मूवी की याद दिला देगी। ऐसा एक्शन जो कि अब तक आपने बॉलीवुड की फिल्मों में तो नहीं देखा होगा। इस फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके हैं, वहीं पर जैकलीन का गाना 1 2 3 जरूर आपको थोड़ा सा निराश करता हुआ नजर आएगा। उस गाने को और भी बेहतरीन दिखाया जा सकता था। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा कम एक्शन से भरा हुआ है, लेकिन सेकेंड हाफ में तो आप भरपूर एक्शन देखेंगे जितना कि अब तक आपने सोचा भी नहीं होगा। कुल मिला के बागी 2 टाइगर श्रॉफ की फिल्म है और उन्होंने बॉलीवुड में एक एक्शन हीरो के तौर पर अपने असाक इस फिल्म के जरिए अब जमा ली है। अब टाइगर श्रॉफ और भी ज़्यादा एक्शन मूवीज करेंगे, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। एक्शन के नाम पर टाइगर अब सबकी पहली पसंद हो सकते हैं, क्योंकि टाइगर ने इस बार डबल बॉडी का इस्तेमाल भी नहीं किया। फिल्म में सारे एक्शन टाइगर ने खुद ही किए हैं, जो कि सबसे बड़ी खासियत है, तभी तो फिल्म में सच्चाई ज़्यादा नजर आती है। ऐसे में ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। अगर आप एक्शन के शौकीन हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं, थ्रिलर देखना चाहते हैं, तो बागी 2 आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो कुल मिला के इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। आपको ये फिल्म कैसी लगेगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इसका फर्स्ट डे कलेक्शन होगा लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए। और भी जानकारी और भी रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें देखो देखो, ताकि हर खबर यूं ही आप तक पहुंचे सबसे पहले।